Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi. अल्लाह सुबह ताला तमाम लोगों से, तमाम इंसानों से खिताब फरमाते हैं। वही आयत जो कल हमने पढ़ी कि उनके इनकार पर, उनकी बेअमलियों पर, उनके नफाक पर अल्लाह सुबह ताला इरशाद फरमाते हैं, वजह तुम्हारी ये शक है जो तुम्हारे दिलों में छुपा हुआ है कि तुम हकीकत में मेरे भेजे हुए नबी है, मेरे हबीब पर तुम शक करते हो। तुम नहीं मानते दिल में वो मेरी तरफ से भेजे हुए रसूल हैं। इसी वजह से उनको जो वही दी गई, उनको जो किताब दी गई, उसके अहकाम पे तुम अमल नहीं करते, इनकार करते हो, मानते हो लेकिन मानना इस तरह से कि अमल अपनी मर्जी से करना, जो पसंद है करना, जो पसंद नहीं है नहीं करना, हालात के मुताबिक दीन को डालना, अपने आप को दीन पे नहीं डालना बल्कि दीन को अपने मुताबिक चलाना, नफाक मुनाफकत है। और अगर मान भी गए, अमल भी करते हो तो उसके साथ फिर गुनाह भी करते हो। तो ये दोनों तीनों चीजें तुमने मिला ली हैं दीन के साथ, अल्लाह बनाते हैं कि सब वजह इसकी क्या है, शक। ठीक है, शक को दूर करने के लिए अल्लाह फरमाया अगर तुम इस किताब पर शक है जो तुम्हारी तीनों चीजें जाहिर कर रही हैं अमाल के हिसाब से, तो फिर ऐसा करो, एक आयत बना लें जैसी एक सूरत बना लें, एक आयत बना लें एक सूरत बना, फलम तफलो वन तफलो अल्लाह फरमाते ऐसा ना कर सको, और हज तुम कर सकोगे ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकोगे अल्लाह फरमाते ये तुम झूठे हो। तुम मालूम है कि वही अल्लाह की
अल्लाह की तरफ से किताब नाज़िल की गई है, तो तुम नहीं कर सकोगे ऐसा कि जैसी कोई भी आयत तुम उतार लाओ। ये सुन्नत इलाही है कि जब मुख्तलिफ अकवाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, तो जब उड़ते थे, इनकार करते थे, जैसे तुम लोग उड़ रहे हो, अल्लाह ताला कहता है इसी तरीके से जब वो उठते थे, तो उन अंबिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजज़ा अता फरमाते थे कि जिससे वो आजिज़ हो जाए, तस्लीम करना पड़ता था, वो मौजज़ा तो अल्लाह की तरफ से था, उसके पास उसका जवाब ही कल ही चल देते ऐसा कोई काम। अंबिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौजज़ा अता फरमाया। देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जद बेजद आई, चमकता हुआ हाथ दिया, लाठी दी, यूसुफ सलाम को ऐसा हुस्न दिया कि जिसका जवाब नहीं था, आपका मौजा हुस्न था, हज़रत मूसा का मौजा चमकता हाथ था, लाठी थी, हज़रत यूसुफ सलाम का मौजा हुस्न था, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन था, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, हज़रत सुलेमान की हुकूमत थी, ऐसी हुकूमत किसी को मिली नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी दी गई तो आपका मौजज़ा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा कर देते थे, परिंदों को जिंदा कर देते थे, मरीजों को शिफा देते थे, ये आपका मौजज़ा था, तो फसीहों का बहुत बड़ा मौजज़ा था, बगैर बात के पैदा हुए थे, बच्चों ने आप पर कलाम किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ मौजज़ा दिया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न मौजज़ा दिया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लहन मौजज़ा दिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत मौजज़ा दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा कर देते लोगों को, मर्दों को मौजज़ा अता फरमाया, तो अपने हबीब को क्या मौजज़ा दिया अल्लाह के नबी ने, إن أنزلناه في ليلة القدر وما أنزلنا في ليلة القدر سبحان الله الله سبحانه وتعالى نے اپنے حبیب کو موزا دیا قرآن حکیم جس سرکار دوسروں کو موزا تھا قرآن تمام ان نبیوں کے موزے تھے اور وقت کے ساتھ چلے نبی چلے جاتے تھے موسی بھی چلے جاتے تھے وقت تک رہتے تھے اس وقت تک محدود تھا موسیٰ علیہ السلام گئے آپ کے موزہ چلے گئے یوسف علیہ السلام ان کا موزہ چلا گیا داؤد علیہ السلام گئے ان کا موزہ بھی ساتھ چلا گیا صالح علیہ السلام گئے ان کا موزہ بھی ساتھ چلا گیا عیسیٰ علیہ السلام ان کا موزہ ان کے ساتھ چلا گیا وہ انبیاء کے موزے تھے لیکن یہ امام انبیاء کا موزہ ہے یہ ایسا موزہ ہے کہ قیامت تک یہ موزہ چلے گا یہ جائے گا ایسا موضع ہے سبحان اللہ کہ اللہ کہتا ہے اس کی حفاظت میں کروں گا ایسا موضع ہے کہ کوئی اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں کر سکے گا بنانے تو بہت بڑی بات ہے یہ ایسا موضع ہے کہ اس امت کے بچوں 7 سال کے بچے کے سینے میں اس کو محفوظ کر دوں گا 70 سال کے آدمی کے سینے محفوظ کر دوں گا عورتوں کے سینے میں اس کو محفوظ کر دوں گا بچوں کی زبانوں پر اس کو جاری کر دوں گا سبحان اللہ اسفر کر دوں گا ایسا موضع ہے اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک یہ موضع رہے گا بھئی موضع والے کے ساتھ موضع چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو موضع گیا عیسیٰ علیہ السلام گئے تو موضع گیا صالح علیہ السلام گئے تو موضع گیا لیکن یہ موضع کیا ہے یہ موضع قیامت تک چلنا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ جب موضع چل رہا ہے تو موضع والا بھی قیامت کی ہوگا اللہ جب موزے والا نہیں تو موزہ کیسے پتہ چلا سرکار دوستوں کا موزہ جو ہے یہ قیامت تک چلے گا تو آپ کا موزہ یہ قیامت تک چلنا ہے تو آپ کا فیض بھی قیامت تک چلے گا آپ کی شہریت سنو قیامت تک چلے گی الحمدللہ
कोई शरीयत नहीं आएगी, कोई सुनत नहीं आएगी आपके बाद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो इसी पे अमल करेंगे, इमाम मेहंदी आएंगे तो इसी पे अमल करेंगे। आप अपनी शरीयत लेकर नहीं आएंगे, क्या शरीयत है? मोहम्मद ही चलेगी। मौजा चल रहा था, मौजे वाले का फैज भी रहेगा ना, क्या मतलब? इतना जबरदस्त मौजा अल्लाह ताला का ताज्जुब है। अब इनकार कैसा? इतना बड़ा दलील या तो बनाकर दिखाओ आए। अल्लाह कहता है फैलम तफरू, बना ही नहीं सकते तुम। अगर तुम नहीं बना सकते तो आजिज हो गए। जब आजिज हो जाते आदमी तस्लीम करने के मजबूर हो जाता है, फिर तस्लीम करने पर मजबूर है कि ये तो बात जो है सही है, बात जाहिर हो गई। अल्लाह ने चैलेंज कर दिया कि हम तक के लोगों को, फुसा को बुलाओ, शायरों को बुलाओ, जिसको चाहे तुम बुलाओ। देखें आजिज तो तुम नहीं कर सकोगे, आजिज हो गए तो इसका मतलब तुम तस्लीम कर चुके हो। यह हक है। फिर ताज्जुब यह है, ताज्जुब यह हुआ कि फिर भी इंकार, फिर भी इस पर इंकार, और फिर अगर मानना तो फिर इसके अहकाम पर इंकार। भांगे दो उन अहकाम के खिलाफ अमल करना, उसके खिलाफ चलना, बगावत करना आपके अहकाम के साथ, नबी पर शरीयत सुन्नत के साथ, और फिर दावा भी करना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की रहमत की उम्मीदवार हैं, आपसे शिफात की आरजू रखते हैं, इससे बड़ा भी कोई शैतानी धोखा हो सकता है? कि सारे अफ़ाल अमाल जितने भी हों वो शरीयत के खिलाफ हों, अपने मन का मजहब हो, अपने मन का दीन हो, और ख्वाहिशात ऐसी रखता हो आदमी, तो ये क्या है? शैतानी धोखा है। तुम ये कलाम बना ही नहीं सकोगे, ना बना सकोगे, आजिज हो गए, तो इसका मतलब तुम तस्लीम कर चुके हो। तस्लीम करने के बाद फिर ये कौन सा दीन है तुम्हारा है, फिर ये कौन सी बात है? अल्लाह ताला कहता है तो अब फिर बात एक ही है। अल्लाह ताला कहता है सुभानअल्लाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारी हद धर्मी और सिद्ध है, शैतानियत है, नफ्स है, तुम इनकार करते हो और वो जो मानते हैं वो उस अमल उसके खिलाफ करते हैं, तो फिर क्या है? फत्तकुन नार अल्लती कूदुहन नास नसारा, सुभानअल्लाह। तो फिर तैयार हो जाओ उस आग के लिए। अल्लाह तुम्हारी इस नाफ़रमानी नाफ़रमानी को जिद की सजा फिर क्या है? फिर तुम तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है इसकी सजा क्या है? आग। कैसी आग? वाह वाह वाह, अन्नार लती कूदुहन नास बहजार। देखें भाई, अगर अब तुम इस पर ईमान नहीं लाते, इनकार करते हो, या अगर तुम अब इसको मानने के बावजूद भी तुम्हारा अमल और तुम्हारा हवाल इसके खिलाफ है, तो फिर जा देखो उस आग की तरफ। सच वाला कहता है अनार लती कूदो नस वह जा। अल्लाह अजीब बात की इस आयत, देखें आप आग किस चीज से जलती है? फ्यूल चाहिए आग जलाने के लिए, कोयला होगा तो आग जलेगी, लकड़ी होगा तो आग जलेगी, पेट्रोल होगा तो आग जलेगी, तेल होगा तो आग जलेगी, फ्यूल चाहिए आग जलाने के लिए, और जितना जबरदस्त फ्यूल होगा उस कदर तेज आग होगी। डिपेंड करता है उसके ईंधन पर, उसका फ्यूल कौन सा है। भड़कती हुई तेज आप आग लेना चाहते हैं तो फिर आपको उसके मुताबिक फ्यूल रखना पड़ता है, उसका ईंधन रखना पड़ता है। जितना सख्त ईंधन बनाएंगे उतनी सख्त वो आग लगेगी,
अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि इस आग का ईंधन बताता हूं तुम्हें क्या होगा, जो जहन्नम की आग होगी। अन्नार लती कुदुहन नास हिजा, अल्लाह अकबर, इसकी फ्यूल, इसका ईंधन जो होगा वो कौन सा होगा? इंसान और पत्थर। हदीस में आता है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, नारुकुम हाज़ी जुज़ुन मिन सबीना जुज़ुन मिन नार जहन्नम। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि ये आग जहन्नम की आग के 17 हिस्सों में से एक हिस्सा है, इतनी जबरदस्त आग होगी। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, जो मैं आपको बताई। किसके लिए तैयार की जा रही है? वो लोग जो इनकार करते हैं, वो लोग जो मानने के बावजूद इसके अहकाम के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं, मांगो दोहर शरीत और सुनत उनकी उनकी जिंदगी का पूरा स्केच जो है शरीत और सुनत के खिलाफ है, जो चीजें चंद पसंद करते हैं उसके मुताबिक वो चल पड़ते हैं, यानी जो मन पसंद चीज है उसको ले ली, बाकी चीज को छोड़ दिया, जरूरत नहीं। अपनी तर्ज की जिंदगी, यानी अपना एक दिन बनाया उन्होंने, अपने मन का दिन बनाया, यह आग उनके लिए तैयार की गई, अल्लाह ताला फरमाते हैं या उनके लिए रोशन की अल्लाह ताला। والكفار نار جهنم خالدين فيها. اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور لانیاں کفر کرنے والوں کو دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے کہ اس میں ہم ضرور ان کو ڈالیں گے. وعد اللہ منافقین منافقين والمنافقات والمنافقات والكفار والكفار نار جهنم خالدين فيها. الله پکا اللہ کہتا ہے میں نے عہد کر لیا ہے کسی منافق مرد کو یا کسی منافق عورت کو. کون منافق؟ झूठ कहने वाले कि हम अल्लाह से आयश करते हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, उनकी सारी जिंदगी जो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ है, उनका रहना सहना खाना पीना तिजारत चलना फिरना घर बार हर चीज फुल है, चीज से इनका घर जाके देखे मुकम्मल शरीयत के खिलाफ है, बांगो दहोर शरीयत के खिलाफ बातें करने वाले लोग हैं। तो कुरान ने ऐलान किया फादुल्लाह मुनाफिकीन वल कुफार, और वो जो अलानिया है वो तो अलानिया है ही, दोनों को साथ मिला अल्लाह ताला ने, नारा जहन्नम खालिदीन फीहा, नारा जहन्नम खालिदीन फीहा हिया हस्बुहुम वलअनहुम अल्लाहु वलहुम अज़ाबुन मुकीम। और उनके लिए सजा तो अल्लाह दोजख में, फिर उनके लिए सजा काफी है, ये दोजख वाली सजा उनके लिए काफी होगी, और अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से भी दूर फरमा देंगे, वलनहुमुल्लाह अपनी रहमत से भी दूर फरमा देंगे, वलहुम अज़ाबुन मुकीम, और दाइमी अज़ाब होगा उनके लिए, अल्लाह अकबर। लेकिन इसके वहां से कौन मुनाफिक मर्द जो दिन के साथ खवाड़ करते हैं, दिन के साथ खवाड़ करते हैं, मस्तियां करते हैं, और मुनाफिक औरतें और काफिर, अल्लाह इनके साथ क्या कैसा हिसाब किया जाएगा? वल्लाह उनको लानत के रखना, अपनी जहमत से दूर करूंगा और अजाब तह ही दूंगा उनको। كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاصوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة اے منافقو, تمہاری حالت ان لوگوں سے ہے جو تم سے پہلے ہو چکے. اللہ اکبر, کہ تم سے پہلے جو آج کی نہیں, تم سے پہلے جو ہو چکے ہیں ان جیسی تمہاری حالت ہے. کیا اشد منکم قوتا واکثر اموالا واولادا. تم تو اس وجہ سے خوش ہو, مال ہے, گاڑیاں ہیں, مکان ہے, پاکستان میں کوٹھی, ادھر کوٹھی, کشمیر میں کوٹھی, ادھر کوٹھی, ادھر کوٹھی. شدت قوت کثیر اموال صرف تمہارے پاس نہیں, پچھلے منافقین بھی اسی پہ کرتے تھے. اس دنیا کی وجہ سے تم نے شریعت کو چھوڑا ہے, اس دنیا کی وجہ سے تم نے حرام کام شروع ہوئے ہیں. اس شریعت کی وجہ, شریعت کو نہ ماننے کی وجہ یہ دنیا ہے تمہاری. تم جانتے ہو جسے اللہ تعالیٰ پہلے حجت قائم کی, تجھے پتا ہے کہ حق ہے, بالکل اللہ کا دین حق ہے, شریعت حق ہے. اللہ نے پہلے حجت قائم کر دی کہ تم بنا نہیں سکتے اس چیز کو, تم مانتے ہو اس کو یا انکار کیا وہ بھی, اور جو مان گیا تو اور بھی خطرناک, ماننے کے بعد پھر ایک نیا دین گھڑ لیا. تو کس وجہ سے؟ اس لیے کہ دنیا بنتی ہے, اس سے دنیا بنتی ہے. جھوٹ بولنے سے دنیا بنتی ہے, چکر دینے سے دنیا بنتی ہے, حرام کاری سے دنیا بنتی ہے, محفلیں جماتے ہیں, ہر چیز بھاشی بھاشی ہر چیز ان کے گھروں میں آپ کو نظر آئے گی. تو فرمایا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے منافقو, کل لذین امن کو بلکم کہان و شد امن کم قوت و اقسام بالوں و اولادا. فستم تاؤ بے خلا کی ہوں فستم تاہوں. اللہ بالکل اس طرح ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کے حسد میں بہت کمال ہو گئے. فستم تھا, انہوں نے بہت کمایا دین کا. دنیا قارون تھا, قارون 70 پہلوان اس کی چابیوں کو اٹھا کے چلتے تھے, سونے کی اس کی لوہے کی چابیاں تھیں, لکڑی کی چابیاں اس نے بنائی, چمڑی کی چابیاں اس نے بنائی, اونٹوں پہ اس کی چابیاں, اس تو خزانہ کتنا ہوگا مجھے آپ بتائیں. یہ کزن تھا نا فرعون کا, قارون چچا زاد بھائی تھا. تو اس سے زیادہ تم دولت کما لو گے؟ یہ لمبی لمبی اونچی اونچی گاڑی ہوا میں پھرتے ہو, پاگل ہو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جانتے ہو تم غلط ہو. اشد منکم قوت و اکثر اموالکم, تم نظر نہیں آتے کہ تم سے پہلے لوگ بھی ایسے کر چکے ہیں. انہوں نے دنیا سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا, تم بھی دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ حاصل کر رہے ہو. کمستمتع الذین من قبلکم وخلاقکم وخدتم کالذی خادو, جیسے وہ فائدہ اٹھائے تم بھی فائدہ اٹھا رہے, تم بھی بری باتوں میں ایسے گسے جیسے وہ گسے تھے. ان کی یہاں بھی شباب شراب اور کواب چلتا تھا, بے حیائی ہوتی تھی ایسی, جس تم نے ڈبے رکھے ہوئے وہ بھی رات کو بیٹھتے تھے, عیاشی کرتے تھے, محفلیں جمتی تھیں. اللہ عجیب عجیب برتھ ڈے منائی جاتی تھیں, اور پتنی میری سیون منائی جا رہی ہے, شادی کی سالگرہ کی جا رہی ہے. خود تم کل لذی خاتو, یہ بہانے ہیں بدماشوں کے سارے. اللہ والوں کو ان چیزوں سے کیا کام, اتنا وقت ہوتا ہے ان کے پاس, یہ سب بدماشیوں کے بہانے ہیں سارے. ان چیزوں کی چیز کریٹ کرنا چیزیں, آج میری بیٹی کی ہے, میرا فلاں کی ہے, آج میرے بیٹے کی ہے, آج اس کا کیک ہے, تو آج فلاں کا کیک ہے, اس کے گھر جا رہے ہیں, اس کے یہاں بیٹھ رہے ہیں, اور پھر وہاں جو اللہ وقت جیسے لباس, جیسی چانے, جیسا کام, جیسے میوزک. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ. افسوس تو افسوس ہوتے ہیں, لوگوں نے اپنے اعمال حسن دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے. کہاں گئیں وہ تمہاری باتیں, کہاں گئی نماز, کہاں گئی ساری چیزیں ٹوٹی پھوٹی, اللہ نے تمہیں توفیق بھی دی تھی, وہ بھی تم نے اپنے ہاتھ جمرے اسی باتوں میں ختم کر دیے. اے منافقو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نظیم قبلے کو خطاب کو اللہ حافظ. وعد الله المنافقين والمنافقات
والكفار نار جهنم خالدين فيها وعد الله المنافقين والمنافقات والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها الله कहाँ ये छोटी मोटी अय्याशी, कहाँ ये तुम्हारी पार्टी, कहाँ ये मस्करी पान, कहाँ ये चीजें, हाँ खोलो वहां खोलो, अल्लाह ताला कहता है क्यों जय करते हो तुम अपने इस ईमान को। अभी तक अमाल में सुनात क्या है, अमाल यानी सबसे बड़ा अमल तो अल्लाह तुम अता फरमाए, ईमान तुम्हारे पास मौजूद है, क्यों इस ईमान को तुम जय करते, ईमान से तुम दुनिया और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद करते हो, जय करते हो। खास तुम याद रखो तुम बहुत सब खुशारे में हो, ये कुछ भी जो तुम कमा रहे हो। तो अल्लाह ताला ने वो आग जिसके बारे में सुनाया सातवां हिस्सा है, और क्या चीज है, ईंधन अजीब है उसको, अल्लाह ईंधन देखे अल्लाह ने क्या बनाया, ये ईंधन के इंसान और पत्थर है। आज तक कोई ऐसी आपने आग जलती देखी दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह ने अपने जहन्नम का यही आग लगाई है मुनाफिकीन के लिए, इसका अल्लाह ने कहा वादल्लाह, मैंने पक्का वादा किया है कि मैं इस आग के अंदर भेजूंगा। कैफियत क्या, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उकदला नार अल्फ सनत हत्ता हमार, कि ये आग जो थी पहले अल्लाह ताला ने इस आग को 1,000 साल तक धुनी दी, जलाया तो फिर सुर्ख हो गई, फिर 1 साल के बाद जलाया हत्ता हमर तो सुमा कर अलैहि अल्फ सनत हत्ता अब जद, यानी फिर जलाया फिर क्या होगा सफेद होगी, और फिर 1,000 साल उसको धुनी दी, उसके बाद वो आग क्या हो गई हत्तस वद्दत फूहा सौदा, जलती हुई फिर आग वो स्याह हो गई, और आज वो स्याह रंग तारीख रंग की वही आग जहन्नुम है, जिसमें अल्लाह ताला कहता है तुम्हारी इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला कहता है इसमें तुम्हें डाल दू अजवाया तरमसी, ये वो आग इस अल्लाह ने वादा किया। तो भाई कुछ जो मजे हैं ये मजे तो नहीं है ना, ये तमाशे नहीं है, ये तो बहुत आर्जी चीज है, आप पता है। नाम इन बशीर रजी अल्लाह ताला ने हदीस पेश करते हैं, अजीब अजीब बात है, फरमाया नबी कसम सलम ने फरमाया एक दफा अंसर तुकुम नारा फरमाया इतनी बुलंद आवाज से और इतनी देर तक आप ये फरमाते रहे, और इतनी बुलंद आवाज से फरमा रहे थे और जोश में फरमाते रहे जहन्नुम की आग से डराता हूं तुम्हें, जहन्नुम की आग से डराता हूं तुम्हें, जहन्नुम की आग से डराता हूं, फरमाया बहुत जोर से और मुतवातर फरमाते रहे, हत्ता कि आपकी गिलीम यानी आपने जो पहना हुआ थी चादर वगैरह वो आपके कदमों में गिर गई ऊंची आवाज की वजह से। जामी ने रवायत किया इसको, इतनी शिद्दत से अल्लाह के नबी ने रुकुश क्या है, आप देखें जिस आग के इंसान हो और पत्थर ईंधन हो उसकी, ये अल्लाह ताला ने मिसाल के दिया हैबत, उसकी जो हैबत उस आग की जो है उसकी अजमत बताने के लिए अल्लाह ने कहा ये ऐसी होगी आग। अब ये चीजें देखें आप इसमें अल्लाह ताला की सारी मिसालें अजीब गरीब होती हैं, अजीब हकमतम अपनी होती है। पत्थर आग, जिस पत्थर के साथ इंसान को क्यों मिला दिया अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर, ये दोनों ईंधन एक साथ क्यों रख दिए, पत्थर या इंसान, पत्थर तो पत्थर है या आम पत्थर तो होगा नहीं, पर दूसरे गंधक के स्याह पत्थर होंगे जो ईंधन का आग बनेंगे, स्याह पत्थर होंगे, तो इंसान को उसके साथ क्यों मिलाया, साथ क्यों ईंधन बनाया, इसलिए कि जिस इंसान को आग जलाई जा रही है इंसान के साथ उनको जलाया नहीं जाएगा, उससे आग बनाई जाएगी, ये सोचे आप जिन इंसानों से आग बनाई जा रही थी हकीकत में वो इंसान नहीं थे वो भी पत्थर थे, ये कुरान की मिसाल ले रहे आप, पत्थर थे उनको दिलों में चीजें नहीं उतरती थी। ये आयत जो पढ़ी जा रही है इसके बाद देखने कितने इंसान सही होंगे, कितने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी शरीयत के मुताबिक जिंदगी को अपना लेंगे, कोई नहीं अपनाएगा,
इसलिए कि पत्थर हैं, और अजाब भी इसलिए दिए जा रहे हैं उनके दिल पत्थर थे दुनिया में, तो पत्थरों के साथ ही उनको आग जलवाई जाएगी उनसे। अरे एक और मफहूम भी निकलता है इसमें, एक तो अल्लाह की मिसालें दी कि कुफार क्योंकि पत्थर को पूछते थे, अल्लाह अकबर, पत्थरों से खुद बुत बनाते थे, अपने हाथ से बनाकर पत्थर को उसको सीधा करते थे, तो उस पत्थर के साथ क्योंकि बुत बनाते थे तो अल्लाह ने उनको भी इंसानों को भी उस पत्थर के साथ रखा। क्यों? एक तो उस पत्थर को पूजने की वजह से, ये तो कुफार थे, और दूसरे जो इंसान मुनाफिकीन, दो कुरान ये बताया बादल मुनाफिकीन वाले कुफार दोनों के बारे में, तो कुफारों को तो इसलिए पत्थर के साथ रखा कि वो पत्थरों को पूछते थे, और इंसानों को मुनाफिकीन को इसलिए रखा कि वो उनके दिल के अंदर नफ्स मौजूद था, वो भी बुत था, वो पत्थर को बुत बना के पूछते थे, वो अपने नफ्स को बुत बनाकर पूछते थे, दोनों बुत पूछते थे, इसलिए पत्थर के साथ उनको आग जलाई, पत्थरों के साथ इंसानों के साथ। तो फर तो बुत बनाकर पूछते और ये नाफकीन अपने दिल के अंदर बुत नफ्स का बनाकर पूछते हैं, उसको उनके दिल के अंदर नफ्स का बुत है, तो उससे आग कैसी तैयार होगी आप ये देखें, कितनी जबरदस्त आग अल्लाह ताला ने बताया कैसी आग होगी। ये हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमान में बशरी फरमाते हैं कि जहन्नम की सबसे कम अजाब, सबसे कम आग का बाप है कि जैसे दो जूतियां उनके तस्मे आग के पहना दिए जाए, जूतियां दो तस्मेदार आग की बना के पहनाई जाएंगी, और वो ऐसे जूतियां होंगी उनका दिमाग ऐसा खोल रहा होगा, जोश मारता होगा जैसे देख जोश मारती है गर्मी के साथ, अंदाज लगेगा कैसे जिंदा रह सकता है, और वो समझेगा सबसे, वाकई समझने की बात है, उसके सबसे सख्त अजाब होगा ये, हालांकि हदीस में आता है कि सबसे कम अजाब होगा अज़ाबे बुखारी मुस्लिम, सबसे कम अजाब ये होगा जिसको सबसे ज्यादा समझेगा, कहते हैं जिसका अल्लाह ने वादा किया, जो आग अल्लाह ने इंसानों की और पत्थरों की बनाई हुई है उसका क्या हाल होगा। ये सब कुछ अल्लाह की मिसालें दे रहे हैं, काश हमारे पत्थर दिल जो है ना, पत्थर दिल ये बजाय उसके कि उस आग से पिघले, अल्लाह अपना फजल फरमा दे और कुरान के बाद हमारे दिल पिघल जाए। उद्दत लिल काफरीन, तैयार की गई है काफरों के लिए, देखिए भाई कितनी जबरदस्त इस आयत के अंदर अल्लाह ने वही दी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को नहीं मानते काफिर, और वो लोग जो मानने के बावजूद भी, मानने के बावजूद भी अल्लाह के अहकाम को नबी करीम के शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं। ये चार दिन की जिंदगी है, देखें अल्लाह ने मिसाल भी दी है, ईमान कामिल होना चाहिए, देखिए ना। फिर सुन, एक होते हैं बेईमान जिनके पास ईमान ही नहीं है काफिर, एक होते हैं नाकस ईमान कि ईमान है उनके पास लेकिन उनकी सारी जिंदगी ईमान होने के बावजूद भी उस ईमान का जो तकाजा है कि शरीयत पे चलना, नबी की सुन्नत पे चलना, उसके खिलाफ वो जिंदगी गुजारते हैं, अपने मन का दीन होता है। एक है ईमान कामिल, यानी ईमान कामिल क्या है कि पूरा ईमान रखना और पूरी जिंदगी को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक चलाना, उनका नफा और नुकसान सारा शरीयत पर ही है, सारा नफा और नुकसान जिंदगी के किस पर है, शरीयत के असूल पर चलता है। हाँ बशर्त इंसान के तकाजे से कभी गलती उनसे हो जाती है, कहीं फिसल जाते हैं, वो गलती कर बैठते हैं तो, लेकिन फौरन फिर वो क्या करते हैं, तो वो कर देते हैं, अल्लाह से माफी मांग लेते हैं। ईमान कामिल वाले लोग
अगर फिसल गए, गलती हो गई, देनी जानी, बल्कि फौरन तौबा करते हैं अल्लाह से, माफी मांगते हैं, अल्लाह हम फिर नहीं करेंगे, ऐसे लोगों ने, ये हिमालय कामिल वाले लोग हैं, इनके लिए अल्लाह ताला फरमा देंगे, वाहिद एक चीज ये जमात होगी जो आखिरत के अंदर अल्लाह ताला के दिए नामा की मुस्तहिक होगी। आए दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह पाक इस कुरान की आयत से हमें अपनी जिंदगी संवारने की पूरी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह कि एक एक आयत इंसान को झंझोड़ रही है आजकल, और आजकल तो इस जमाने के अंदर ना दीनियत का तूफान है, आप ये देख लें, बहुत आसान है नबी पाक शरीयत रसूल पर चलना, कैसे आसान है कि बस अपने नफ्स को मोड़ देंगे, जो चाहे हो, जो चाहे कुछ बंदा कहे, कोई मुझसे मिले ना मिले, कोई मुझे नजदीक आए जाना है, पेशे समझान तनहा छोड़ दें, लेकिन मैं अल्लाह के बताए कानून को नहीं तोड़ूंगा, जिंदगी वैसे ही गुजारूंगी या गुजारूंगा, बस इतना आसान दीन है, इतना हमने करना है, याद रखें, फिर अल्लाह की मदद उतरती है इस पर, मदद फिर अल्लाह की उतरती है आगे ले जाने के लिए, इसको किसी मुश्किल में नहीं फंसने देंगे अल्लाह ताला। आप हिम्मत करके, नीयत करके चल पड़े, इंशाअल्लाह अल्लाह की फिर मदद उतरना शुरू हो जाती है। अल्लाह पाक हम सबको इस कुरान को समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन, शफीउल मुरसलीन, तहा यसीन हबीब अलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزلمنا حزرنا وجندنا خطبنا مدنا كل صديق، اللهم اغفر لنا ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وتعاون بي انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، يا مصرف القلوب يصرف اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم نسلك حسن الخاتمة، اللهم نسلك حسن الخاتمة، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الغيوات وفتنة السؤال، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا قوة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله ما يستغيثنا كبيرا ولا ما أفضنا، يا الله ما يتمها مصيبة وطول فرما، يا الله ما لبريشاني وطول فرما، يا الله ما لبريمانك وشفاء نصيب فرما، یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں اپنی فیملی کی وجہ سے، اپنے گھر کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، کسی مسائل میں پھنسے ہوئے مولا، جو آدمی جو عورتیں جو بات، میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے آسانی فرما دے ان پر، یا اللہ ان کے کاموں پہ آسانی فرما دے، یا اللہ ان کے کاموں پہ آسانی فرما دے، یا اللہ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، نبی پاؤں شریعت سنت والا دین ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں نفاق سے بچا لے، بے عملی سے بچا لے، دھوکہ دہی سے بچا لے، اے میرا مولا خالص ایمان نصیب فرما، کامل انسان میں ایمان نصیب فرما، کفر اور شرک سے ریا سے ہمیں حفاظت فرما میرے مولا، یا رحمن الرحیم یا رحیم، قرآن سے ہمیں محبت عطا فرما، قرآن سے ہمارا شعور نصیب فرما، اللہم زین ایمان بالقرآن، اللہم زین اخلاق بالقرآن، اللہم زین قبول بالقرآن، اللہم زین امور احسن امور بالقرآن، سارے کام آسان فرما قرآن کی وجہ سے، قرآن سے محبت عمل نصیب فرما میرے مولا، یا رحم رحیم تمہیں پڑھنے کی توفیق دے، یاد کرنے کی توفیق دے، حفظ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہماری سے محبت بڑھا دے، یا کریم یا کریم یا کریم، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔